जल्दी से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं. रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इट्स स्पीड चेंजेस एंड हेंस इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ. डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाए तो स्पीड इंक्रीज करती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए तो स्पीड डिक्रीज करती है. डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाए तो रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा. अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाए देन रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा. व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इंटेंसिटी, वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज. दो कंडीशंस जब लाइट रे बिना डिविएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी. पहला, व्हेन लाइट रे इंसिडेंस नॉर्मली, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, हेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो. दूसरा, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर सच दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज सेम. इसमें भी लाइट बिना डिविएशन और रिफ्रैक्शन शो किए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाएगी. लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज नहीं करती है, पर स्पीड ऑफ लाइट इस केस में चेंज करती है. जबकि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हैं, लाइट इसलिए डिविएट नहीं कर रही है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड हेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो. बच्चों ध्यान देना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज सरफेस फिनोमिना, इट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस. स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. सेकेंड मीडियम वो है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है और फर्स्ट मीडियम वो है जिसमें इंसिडेंट रे है. रिफ्रैक्टिव ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. यहां पर ये ऊपर और ये नीचे आएगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज ऑल्सो रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. यहां पर फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऊपर आएगी और सेकेंड मीडियम की स्पीड नीचे आएगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41. इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड, हवा में लाइट की स्पीड डायमंड से 2.41 टाइम्स ज्यादा है. यानी डायमंड में लाइट की स्पीड हवा में लाइट की स्पीड से 2.41 फैक्टर कम होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टू. स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है. स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट. हमें पता है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. यहां पर इसकी जगह एफ लैम्डा वन और इसकी जगह एफ लैम्डा टू रखने पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन विल बी इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू. तो यहां से हमको ये पता चलता है कि सेकेंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन होती है. जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ दोनों डिक्रीज करेगी. जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों इंक्रीज करेगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर और वेवलेंथ या कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है और स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है. इसी तरह से रिफ्रैक्शन होने पर जो रेड कलर है उसकी स्पीड किसी मीडियम में सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की स्पीड किसी मीडियम में सबसे कम होती है. और इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम रेड का होता है और सबसे ज्यादा वॉयलेट का होता है. मतलब रेड कलर किसी मीडियम में सबसे कम डिविएट होगा क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए सबसे कम है. वॉयलेट कलर किसी मीडियम में सबसे ज्यादा डिविएट होगा क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा है. ग्लास स्लैब और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने पर स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, केवल अपनी डायरेक्शन से शिफ्ट होती है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. जबकि प्रिज्म से लाइट जब पास होती है तो वो हर सरफेस पर बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ बेंड होती है
और ये अपने रास्ते से डिविएट हो जाती है। एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़े, और एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़े। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है अगर स्लैब की थिकनेस बढ़े। एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज इफ वेव लेंथ डिक्रीजेज, और इसीलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होती है और रेड कलर सबसे कम डिस्प्लेस होता है। सिमिलरली एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है अगर वेव लेंथ डिक्रीज करती है। वॉयलेट सबसे ज्यादा डिविएट करता है और रेड सबसे कम डिविएट करता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़े, लेकिन एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पर एंगल ऑफ डिविएशन पहले घटता है, पहले एक एंगल के लिए मिनिमम हो जाता है, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर बढ़ने पर एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है। इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज के लिए सेम डिविएशन प्रोड्यूस होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो अगर व्हाइट लाइट एक ग्लास स्लैब पर इंसिडेंस होती है, तो रेड कलर और वॉयलेट कलर की पोजीशन इस तरीके से है, सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर डिस्प्लेस होगा और सबसे कम रेड कलर डिस्प्लेस होगा। लेकिन क्योंकि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती हैं, तो ये सारी की सारी कलर्स पैरेलल टू ईच अदर बाहर निकलेंगी, इसलिए इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा कि हमें व्हाइट रे इंसिडेंट होती और व्हाइट रे ही बाहर निकलती दिखेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ग्लास स्लैब में जो लाइट है वो अपने कॉम्पोनेंट्स में बढ़ती नहीं है, लेकिन स्लैब के अंदर जो रेज हैं डिफरेंट कलर की वो पैरेलल नहीं होती हैं और वहां पर आपको रिफ्रैक्शन साफ दिखाई देगा। प्रिज्म से व्हाइट लाइट इंसिडेंट होने पर हर कलर अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, और इसलिए जो इमर्जेंट रे है उसमें सातों कलर्स अलग अलग बटे दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। प्रिज्म पे दो सर्फेसेस पर रिफ्रैक्शन होता है, और इसलिए ये जो सेपरेशन है लाइट रे के बीच में, ये फर्स्ट सर्फेस से सेकेंड सर्फेस में बढ़ता दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक खास एंगल पर डिविएशन मिनिमम होता है एंगल ऑफ डिविएशन, तो मिनिमम डिविएशन की पोजिशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस प्रिज्म के लिए इक्वल होता है, और इसलिए रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये एंगल ऑफ डिविएशन, परपेंडिकुलर और इमर्जेंट रे के बीच एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डिविएशन के बीच ये रिलेशन होता है। तो मिनिमम डिविएशन की पोजिशन में मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होने पर जो ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के नीचे रखा हुआ है उसकी इमेज थोड़ा ऊपर उठकर बनती है, अगर हम हवा में ऑब्लिकली इस ऑब्जेक्ट को देखें तो। इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर इमेज शिफ्ट हो जाती है ऊपर, और ये जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट की इस सर्फेस से, दैट इज रियल डेप्थ, और इमेज की इस सर्फेस से डेप्थ एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ की 1/μ फैक्टर होती है। ये जो डिस्टेंस है एपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ से माइनस करने पर, इसे हम शिफ्ट ऑफ इमेज बोलते हैं, और शिफ्ट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 - 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू रियल डेप्थ। यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। अगर ऑब्जर्वर हवा से ऑब्जेक्ट को थ्रू डेंसर मीडियम देखता है तो उसको इमेज उठी हुई दिखाई देगी, या हम कहें कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल हाइट से छोटी दिखाई देगी। लेकिन अगर ऑब्जर्वर पानी में या डेंसर मीडियम में है एग्जाम्पल के लिए, और हम हवा में खड़े हैं, तो इस फिश को हम लंबे दिखाई देंगे। दोनों ही केसेस में इमेज अपनी पोजीशन से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये अगर सिर आदमी का है तो फिश को ये सिर यहाँ की बजाय यहाँ दिखाई पड़ेगा, अपनी पोजीशन से उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हाइट कम दिखाई पड़ेगी एक्चुअल हाइट से। ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट इस मीडियम की थिकनेस पर डिपेंड करता है, और थिकनेस ज्यादा होने पर शिफ्ट बढ़ जाता है। इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा शिफ्ट, और इसके अलावा कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो शिफ्ट रेड के लिए मिनिमम होगा, क्योंकि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए मिनिमम होता है। शिफ्ट वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होगा, क्योंकि वॉयलेट के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है।
तो अगर हम कई कलर्स के अल्फाबेट्स को एक ग्लास स्लैब के थ्रू देखें तो जो वॉयलेट कलर है उसका अल्फाबेट सबसे ज्यादा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिज्म के थ्रू भी देखें तो भी आपको वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से शिफ्टेड दिखाई देगा, क्योंकि उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से अलग शिफ्ट हुई दिखाई पड़ती है। अगर किसी ग्लास स्लैब की एक सरफेस को सिल्वर कर दें यानी पेंट कर दें तो जो लाइट रे इंसिडेंट होती है वो स्लैब की फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है। लेकिन इस सरफेस का मेन नेचर है रिफ्लेक्ट करना, इस सरफेस का मेन नेचर है रिफ्रैक्ट करना। तो ज़्यादातर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी और एक छोटा सा परसेंटेज लाइट का रिफ्लेक्ट होता है। जब सेकेंड सरफेस पे आएगी लाइट तो यहाँ पर इसका इस सरफेस का मेन नेचर रिफ्लेक्शन है, तो सारी की सारी लाइट या ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस सरफेस पे जब इंसिडेंट होगी तो क्योंकि इस सरफेस का नेचर रिफ्रैक्ट करना है तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और ज़्यादातर हिस्सा लाइट का रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और ज़्यादातर हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा। फिर ये पूरी एनर्जी जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा और बहुत छोटा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा जो आगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में जाएगा। तो फर्स्ट इमेज वीक इंटेंसिटी की बनेगी, लेकिन सेकेंड इमेज जो इससे बन रही है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट बनेगी, और इसके बाद जितनी इमेज बनेगी वो सब लेस इंटेंसिटी या लेस ब्राइट बनेगी। अगर आइडेंटिकल प्रिज्म को इस तरीके से एक दूसरे से इन्वर्टेड रख दिया जाए बेस टू बेस तो लाइट रे पहली प्रिज्म से जितनी डिविएट होगी दूसरी प्रिज्म से उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में डिविएट हो जाएगी, और इसलिए जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। इसी तरह से हम एक स्लैब को भी दो प्रिज्म से बना हुआ मान सकते हैं जो इस तरीके से बेस टू बेस इन्वर्टेड रखे हैं और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब बढ़ता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा और डेंसर मीडियम में एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम के बीच ये रिलेशन होता है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो लाइट रे डेंसर मीडियम में वापस लौट जाती है और टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दीज टू पेयर ऑफ मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, जबकि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में पार्शियल एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसीलिए हम लोग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को पेरिस्कोप, बाइनोकुलर और कुछ कैमरों में वहां पर यूज करते हैं जहां पर प्लेन मिरर यूज किया जाता था। क्रिटिकल एंगल मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। इसके अलावा वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करता है अगर वेवलेंथ इंक्रीज करे, और इसलिए जो लाइट रे रेड कलर की है उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा होता है और ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा होता है। तो अगर हम लाइट रे व्हाइट लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम के बीच के इंटरफेस पर इंसिडेंट कराएं और लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं तो सबसे पहले ब्लू कलर इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, फिर येलो, और सबसे आखिर में रेड कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लो कि डेंसर और रेयर मीडियम के एक पेयर के लिए येलो लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल 48 है, तो रेड कलर 48 से बड़े एंगल पर टोटली रिफ्लेक्ट होगा और ब्लू कलर 48 से छोटे एंगल पर टोटली रिफ्लेक्ट होगा। क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर इंटरफेस के लिए 42 डिग्री होता है और वाटर एयर इंटरफेस के लिए 49 डिग्री। अगर दो मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है तो जो रे इससे कम एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसका नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जो रे इससे ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर लाइट रे एक ऐसे प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है जिसके दो साइड्स इक्वल हैं और 45-45 एंगल है और एक 90 है, तो नॉर्मल इंसिडेंस पर इस सरफेस से लाइट सीधी निकल जाएगी। लेकिन यहां पर देखो, ये 90 डिग्री है, ये 45 है,
तो ये भी 45 होगा। और ऐसे में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो इस सरफेस पर तो ये एंगल 45 बनता है, और ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल 42 होता है। तो ये रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो जो रे इंसिडेंट होगी इस सरफेस पर वो 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी और सीधी निकल जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रिज्म से इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से इस प्रिज्म के अगर इस सरफेस पर 90 डिग्री पर रे इंसिडेंट हो तो ये एंगल 90, ये 45, तो ये एंगल इस ट्रायंगल में 45 हो जाएगा। और अगर ये 45 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा, और 45 मतलब 42 से बड़ा, तो ये रे टोटली रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 45 हो जाएगा। और अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो जब रे इंसिडेंट होगी सेकेंड सरफेस पर तो ये 45, ये 90, तो ये भी 45, ये 45 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस पर भी 45 होगा। तो रे टोटली रिफ्लेक्ट होगी यहाँ भी 45 डिग्री पर। तो ये रे जो इंसिडेंट हुई और जो रिफ्लेक्ट हुई ये रेस पैरेलल होंगी आपस में, इस तरीके से ये रे बाहर निकल जाएगी। इस तरीके का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को ठीक उल्टा बना देता है। इनका डिफरेंस देखो, ये दूसरा प्रिज्म है जिसमें एक एंगल 30, एक एंगल 60 और एक एंगल 90 है। अगर इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे तो ये 90, ये 30, तो ये 60, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेस देन 42, रे नॉर्मली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सेम प्रिज्म लेकिन रे इस तरीके से नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो ये एंगल 30, ये 90, तो ये 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेस देन 42, रे नॉर्मली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन सेम प्रिज्म पे अगर इस सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रे का तो ये 60, ये 90, ये 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो यहाँ टोटल रिफ्लेक्शन होगा ये 60, ये 30, अब ये 30, ये 30, तो ये एंगल 120 हुआ। अब अगर आप नॉर्मल सरफेस पे ड्रॉ करो ये 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, यानी सेकेंड सर्फेस पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि 30 42 से कम है। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एंगल 60 डिग्री है। अगर रे एक सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट होती है और इस सरफेस पर थोड़ा नीचे की ओर गिरती है तो 60 डिग्री एंगल पर ये 90, ये 60, ये 30, तो 60 डिग्री एंगल पर रे सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट होगी, 42 से बड़ा है तो इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी 60 डिग्री पर। तो ये 30, ये 60, ये 90, रे नॉर्मली इस सरफेस से बाहर निकल जाएगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर दो सरफेसेस से कवर्ड है तो लेंस, 5 सरफेसेस से कवर्ड है तो प्रिज्म, और 6 सरफेसेस से कवर्ड है तो ग्लास स्लैब।